और सुंदर ये सृष्टि होती हाँ तेरे ही आने से छुपा है मोरिया उस पे ही जय हो तो दिग्विजय हो तेरी तरह मोरिया सर झुका है मोरया पर अपना है तू घर पे हमारे आया है मोरया ही हो रहा है कम नहीं हो रहा है और दर्शन करने में बहुत हालत खराब हुई है और वो दर्शन मैंने कैसे किया है वो मैं आपको ना थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके बाद में दिखाऊंगी। फिलहाल आप देख लीजिए कि 8 घंटे 9 घंटे लाइन लगाने के बाद और दर्शन करने के बाद क्या हाल होता है। वैसे मज़ा भी बहुत आता है, गणेश उत्सव स्टार्ट हो गया है और सारे फेस्टिवल हम बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी भी देखिए मेरी एनर्जी एकदम ऐसे है, तो अगर आपको मौका मिले तो आप भी जाके लाल बाग के दर्शन जरूर करिए। आइए देखते हैं फ्लैशबैक क्या हुआ है। तो यहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। स्टार्ट में तो ऐसा लग रहा था ना कि बिल्कुल भी खाली है, एकदम लोग ही नहीं होंगे। मस्त खुशी से एकदम बढ़ते हुए गए थे और आगे का नज़ारा आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कितना खाली था और कितना भरा हुआ था। तो आइए देखते हैं। देखिए ये देख के भी समझ नहीं आया कि अंदर और भी ज़्यादा रश हो सकता है। अब हम और अंदर एंटर हो रहे हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए जिस प्लेस से मैं गुज़र रही हूँ यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको 2 घंटे लग गए थे और हमें पता नहीं था कि इसके बाद हमें और लाइन लगानी है। ये जो देख रहे हैं ना टॉप व्यू आप, इन पूरे रोज़ में हमको घूमना है। तो धीरे धीरे हम घूमेंगे और धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए वो जो लाइन दिख रही है ना वो जाती है पंडाल की तरफ जहाँ हमें दर्शन करना है और यहाँ से अब हम एंटर होंगे जहाँ पर हमें लाइन लगानी है। ये देखिए ये है अंदर का व्यू। ये जो सारे लोग हैं ये इस रोज़ में घूम घूम के अलग अलग सेक्शन डिवाइड हुए हैं, उन सारे सेक्शंस को पार करके एंड में हम वहाँ पर पहुँचेंगे जो लाइन अभी मैंने आपको दिखाई जो पंडाल की तरफ जाती है। तो क्या व्यू है देखिए।
ये बज गए हैं रात के एक। लगने वाला है ये सोच के यहाँ पे खाने पीने का भी अरेंजमेंट किया हुआ है, बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविचेस एंड ऑल, जिसे जो पसंद है वो बाय करके खा पी सकते हैं। ये देखिए ब्रांड एम्बेसडर्स के चीज़ें हैं यहाँ पे, और बहुत सारे पार्टनर ब्रांड है जिनके पोस्टर बैनर सब लगे हुए हैं। ये देखिए है टॉप व्यू, जब हम सबसे आगे आ जाएंगे। अब हम यहाँ से एंटर होंगे पंडाल की तरफ। सब थक गए हैं बेचारे, बैठे हुए हैं, और अब हम फाइनली दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले हैं अंदर। गणपति बप्पा मोरिया, देखिए 8 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं अभी भगवान के दर्शन करने के लिए। देखिए कितना ज़्यादा रश है, और 8 घंटे लाइन लगाने के बाद सिर्फ 2 मिनट दर्शन करने के लिए मिलता है। 2 मिनट भी ज़्यादा कह दिया मैंने। आप दर्शन करने के लिए जाएंगे, माथा टेकेंगे और आपको तुरंत भेज दिया जाएगा। तो ये अंदर का व्यू है मॉर्निंग का, 5 बजे का जब हमें दर्शन मिले थे। और ब्लेस्ड भगवान का दर्शन किया हमने। ये देखिए ये आफ्टर दर्शन की खुशी है, 8 घंटे की मेहनत का फल। लुक एट माई स्माइल। ये है मॉर्निंग का व्यू, इतना प्यारा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है आसमान, और मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा लगता है, सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू और इतना प्यारा सा आसमान। आसमान का असली रंग मॉर्निंग में ही नज़र आता है, बाकी पूरे दिन तो सफ़ेद होता रहता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। ब्यूटिफुल।